ये रिश्ता क्या कहलाता है। I'm sure ये आपका सबसे फेवरेट फंक्शन होगा। नहीं जनाब, फेवरेट तो हमारे सारे फंक्शंस हैं। आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट है, हम उसी में धमाल कर देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हमारे पास फिजूल का वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। अरे साहब, खुशी में जो वक्त बीत जाए उसे वेस्ट टाइम नहीं कहते, लेकिन ये गहरी बातें आप हाँ जाने दीजिए, हम एंजॉय करते। कितनी प्यारी लग रही है मेरी अक्षु, अभी ना बिल्कुल सही कहता है, इसके लिए रोज नई नई कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ से लेकर आएगा वो। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना अभी? अरे हाँ, देख नहीं हुई तो तुम कर देना ना अपना म्यूजिक बजा के। भाई अब डिपार्टमेंट जो खोल लिया तो पेशेंट्स तो चाहिए होंगे ना। तुम अपनी होने वाली बहन की सास से उसका हाल नहीं पूछोगे आरोही? इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था इसका, लोग भी पता नहीं कैसे होते हैं, पहले तो मारते हैं और फिर मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। दीदी, एक बार पता चल जाए ना कि एक्सीडेंट किया किसने है, तो ऐसा हिट एंड रन का केस करेंगे कि वो इंसान सालों साल जेल में सड़ेगा। आंटी, अब आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। ये तो शुक्र है कि हॉस्पिटल अपना है और घर में भी इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वरना उड़ाने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मारने में। अभी भी इंटरनली पूरी तरह से हील नहीं हुई है मंजरी। एक मिनट, हेलो जी, बोल रहा हूँ। ओहो हाँ मैडम, कैसी हैं? हाँ बिल्कुल सब कंट्रोल में, कुमार सानू साहब अपने होटल पहुंच गए हैं, रूम में आराम कर रहे हैं, मेरा असिस्टेंट वहां पे है, उन्हें सही वक्त पे सिटी हॉल पर पहुंचा देगा। यस यस। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा वहां होना बहुत जरूरी था, आपको अच्छा भी लगता, मगर अब क्या करें, कुछ बहुत अर्जेंट आ गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ हुआ भी तो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, होल्ड करता हूँ। यस यू नो मनीष जी, अब ऐसा हो गया है कि बस बिरलास का नाम ही काफी है। हमारे हॉस्पिटल में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं पेशेंट्स को, वो बेस्ट इन क्लास है। मतलब दूसरे हॉस्पिटल्स कंपीट ही नहीं कर सकते हैं, वो तो बस पैसा बनाते हैं, मगर इन सारी चीजों के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और ये फंड्स, ये ग्रांट्स मंत्री जी देते हैं। भाभी, आज आप जिस तार को ढूंढ रही है ना, वो आपको टेलीस्कोप से भी मिलने नहीं वाला है। मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। अच्छा रियली? चलो आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। बाय द वे, जब तक भाई नहीं आते उनका काम मैं कर देता हूँ। आज आप काफी सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, पर तुम उनका काम क्यों करोगे, वो खुद कहाँ पर है? आगे ना बात आपके मुंह पे, मुझे पता था आप झूठ नहीं बोल सकती भाभी मुझसे। खैर भाई यहीं कहीं थे, लेकिन उन्हें कोई फोन आया तो वो आंधी की तरह गायब हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। भाभी सब ठीक है आप? हाँ सब ठीक है। आप रिलैक्स करो, आप बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। आप, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ, पाइनएप्पल लेकर आता हूँ अभी। थैंक यू। ये अभी को अचानक से कहाँ जाना पड़ गया? कहीं वो एक्सीडेंट को लेकर कुछ?
क्यों नहीं उठा रहा है? बात हो तो पता चले। जी हाँ बोल। क्या ये? क्या नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं मैडम ये। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप फोन कर दीजिएगा मुझे। ओके थैंक यू। यस ये क्या कर रहे हैं? ये फोटोग्राफ ले रहा हूँ आपके। मुझे पता ही नहीं था कि हमारी अक्षरा की शादी इतने महान आदमी के बेटे से हो रही है। अब कल न्यूज़पेपर में छपा दूंगा कि मसीहा डॉक्टर हर्षवर्धन बिरला समाज के कल्याण के मार्ग पर अग्रसर अपने पुत्र के संगीत की संध्या पर भी काम करते हुए। हाउ इम्पोर्टेंट ही इज। अच्छा बोल लीजिए जो बोलना है, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। ऑलरेडी मंत्री जी का फंक्शन मिस करके यहाँ बैठा हूँ। अब अगर घर के फंक्शन में इनकी या इनकी बेटी के वजह से कुछ हुआ ना, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। मैसेज करती हूँ। कहाँ हो अभी? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ प्लीज। What nonsense? नहीं मिल रहा है मतलब क्या? क्या हो गया? कह रहा है सानू साहब मिल नहीं रहे। सानू साहब कहाँ जाएंगे? कोई किडनैप करेगा क्या उन्हें? तब देखो बड़ा होटल है, कॉफी शॉप चेक करो, पूल साइड चेक करो। हाँ और जैसे मिले बात कराओ, मुझे बात करनी है उनसे। ये डेट्स क्लैश नहीं करती ना, तो इस फंक्शन में मैं पक्का जाता। आई एम अ बिग फैन। क्या गाते हैं? क्या है, हंस क्यों रहे? आपकी वो पल्लवी याद आ गई। वो पल्लवी? और नहीं तो क्या। कुछ चुप रह जाओ, तेरी भाभी ने सुन लिया ना तो संगीत शुरू होने से पहले मेरा बैंड बजा देगी। पल्लवी की शक्ल से उसे सख्त नफरत थी। वो भाभी के टाइम से पहले की स्टोरी है, आप टेंशन मत लीजिए। बात बचपन की है पर बचपन तक याद रहेगी। ओहो हो, मेरा पहला प्यार थी यार वो। अरे मुझे याद है ना, स्कूल में आपके सारे लव लेटर्स मैं ही तो पहुंचाता था। पर ये अचानक कैसे वो याद आ गया? नहीं आपको याद नहीं, पल्लवी कुमार सानू साहब की कितनी बड़ी फैन थी, जब भी देखो उनके गाने। हाँ यार ये कैसे भूल गया मैं, she was a big fan. In fact, मैं सोच रहा था भाई साहब अगर आज आप उस फंक्शन में पहुंच जाए ना तो आपको पल्लवी जरूर मिलेगी वहां पर। क्या बात कर रहा है? अरे कह रहा हूँ तो चलो फिर। अरे चलो, यहाँ से छुटकारा मिलेगा। दिल के डॉक्टर साहब कभी दिल के मरीज भी थे? कितना अच्छा लगा जान के। घबराइए मत, ये बात बाहर नहीं आएगी। नेवर एवर। हाँ एक गाना याद आ गया मुझे तो भाई, वो क्या था वो? हाँ पल्लवी पल्लवी Take it easy, Pallavi. नाम ही कितना प्यारा है। Pallavi, पल में लव हो जाए। हाय पर हमें क्या? हम तो अपन पनीर टिक्का खाएं। हाँ भाई, आप लोग enjoy कीजिए ना। Replacer। अरे अरे हाँ। You take it easy यार। क्या यार कुछ भी बोलते हैं लोग मरवाएंगे। भाई साहब ये लोग ना मुझे बहुत weird लगते हैं। कभी-कभी तो sad feel होता है कि कैसे अजीब लोगों से पाला पड़ा है। आज तो खैर हम host हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मगर जिस दिन बारात लेके जाएंगे ना, उस दिन दिखाएंगे इन लोगों को। तो सच भी बता दिया, माफी भी मिल गई, फिर भी क्यों पता नहीं टेंशन हो रही है। अब जब तक अभी नहीं आ जाता तब तक मेरा टेंशन कम नहीं होगा। पता नहीं कहाँ रह गया, वो आया क्यों नहीं अब तक। अक्षो अभी देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे बाप रे बाप, सात सुर थे म्यूजिक में, ये 17वीं सुन लिया आज।
कुंडली मिलाने, कुंडली मिले ना मिले कम से कम सुर तो मिला लेने चाहिए थे, ये तो बहुत बेसुरा है। कम ऑन अभिमन्यु, ये रिश्ता क्या कहलाता है।